हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल स्नेहा अरविंद कुकबुक में। तो आज हम लोग ना ये ज़बरदस्त सा मसाला पुलाव बनाएंगे, लेकिन एक ऐसे सीक्रेट तरीके से बनाएंगे ना कि आपको ये किसी बिरयानी से कम तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ना ही कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट लगेगा, ना ही कोई स्पेशल तरह का चावल लगेगा। जो भी हमारे घर में मसाले होते हैं, जो भी हमारे घर में चावल होता है, उसी से ही हम ये मसाला पुलाव बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 10 मिनट लगाएंगे और ये ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा बन जाएगा। अगर आप कुकिंग में नए हैं, मतलब आपको कुकिंग करनी नहीं आती है, या फिर आप बैचलर हैं, तो भी आप ये रेसिपी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आती है ना तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पर ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह के कंटेंट के लिए ना एक बार चैनल पर भी ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो चलिए फिर बातें ख़त्म करते हैं और ना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे एक बड़ा सा बोल और उसमें लेंगे 2 कप चावल। जो भी आपके घर में चावल अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो फुल ग्रेन हो। पुलाव वगैरह में ना फुल ग्रेन चावल ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो आपस में ना चिपकता नहीं है, टुकड़ी वालों में ना खिचड़ी सी हो जाती है, तो फिर उससे पुलाव अच्छा नहीं बन पाता है। और फुल ग्रेन में भी ना बासमती आप तभी लें जब आप चावल बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मतलब आप बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आपका चावल कच्चा नहीं रहता है, तब आप बासमती के साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज सेला बासमती सबसे अच्छा ऑप्शन है। इतने अच्छे से चावल स्ट्रक्चर होल्ड करता है ना कि कोई भी इजीली इसके साथ काम कर सकता है। तो मैंने भी यहाँ पे 2 कप सेला बासमती लिया है। अच्छे तरीके से इसको धोएंगे 2 से 3 बार, ये बहुत ज़रूरी है। धोने से एक तो एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाता है और फिर गंदगी तो निकल ही जाती है। इस तरीके से अच्छे से हाथों से मसलते हुए 2-3 बार हम धोएंगे, तब तक ये जो क्लाउडी वाटर ऊपर आ रहा है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद पानी, ये बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक हमें अच्छे से धोना है। तो ये 2-3 बार धोने के बाद अच्छे तरीके से मेरे चावल धुल चुके हैं। अब इनको हम भिगो के रख देंगे कम से कम 20-25 मिनट के लिए। तो अब देखिए, आप पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको, इसका मतलब चावल बहुत अच्छे तरीके से धुल चुके हैं। अब हम एक प्लेट से इनको ढक के 20-25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं भीगने के लिए। तब तक हम हमारा तड़का भी बना लेते हैं। तो चलते अपने गैस की तरफ। मैंने यहाँ पे लिए एक बड़ी सी हांडी। आप सेम काम ना प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, बस उसमें आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा करनी होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पे लिया 2 चम्मच घी और साथ में थोड़ा सा ऑयल। देखिए पुलाव वगैरह ना घी में बहुत अच्छे बनते हैं, तो और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है घी की, इसलिए मैंने घी यूज़ किया है। लेकिन एक हल्की सी शाइन के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है। अगर आप और कोई वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं अपने घर में तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है 2 छोटी हरी इलायची, साथ में 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, उसी के साथ में थोड़ी सी टुकड़ा दालचीनी का, 4-5 लौंग और उसी के साथ में 4-5 काली मिर्च। सिर्फ यही खड़े मसाले हम यहाँ पे डालेंगे। बहुत अच्छे तरीके से खड़े मसालों को भूनेंगे ताकि इनका पूरा फ्लेवर ऑयल में चला जाए। और इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून के अराउंड जीरा। जीरा के अच्छे से चटक जाने के बाद 2 हरी मिर्च को इस तरीके से डायरेक्टली स्लिट करके डाल देंगे। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज के प्याज को इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके ऐड किया है। अगर आपको इस तरीके से पसंद नहीं आता है तो आप रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्याज को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे भूनेंगे जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारी प्याज बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब हम यहाँ पे हमारे ड्राई मसाले डालने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून का राउंड हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून का राउंड धनिया पाउडर, 1 टीस्पून का राउंड ही डाला है लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। सिर्फ इतने ही मसाले हम यहाँ पे डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है हमें, और तुरंत ही हम यहाँ पे हमारे टमाटर ऐड कर देंगे। तो मैंने टमाटरों को भी इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है, आप चाहें तो इन्हें भी रफली चॉप करके डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून का राउंड डाला है। आप जितना भी नमक खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मसालों में थोड़ी ड्राइनेस सी फील हो रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं, बहुत अच्छे से पकेंगे, और साथ ही में हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2-3 मिनट के लिए टमाटरों को गलने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हमारा वो सीक्रेट कर लेते हैं जिससे हमारे मसाला पुलाव बिल्कुल बिरयानी जैसा टेस्ट करेंगे। तो एक बोल में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून फुल भर के दही। ये मेरे घर का जमा हुआ फ्रेश दही है, खट्टा दही हमें नहीं लेना है। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून का राउंड बिरयानी मसाला। देखिए अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ज़रूर से डाल लीजिएगा, और अगर दोनों ही नहीं है तो आप खाली दही तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, सारा पानी भी ड्राई हो गया है। और अब हम यहाँ पे हमारा ये दही ऐड कर देते हैं। देखिए
इससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा, यकीन मानिए। आप मुझे ज़रूर से थैंक्स लिखेंगे कमेंट में। अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करेंगे और जब तक कि एक बॉईल ना आ जाए तब तक लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जियों को। तो मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलूओं को इस तरीके से डाइसेस में कट करके डाला है। आप चाहें तो लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लीजिए। साथ ही में एक कप बॉईल मटर है मेरे पास, वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। सिर्फ मैं इतनी ही सब्जी यहाँ पे डालने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो कोई भी सब्जी अपने पसंद की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, गाजर, बीन्स, गोभी, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही डालूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे हमारे भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से सारे चावल डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो पानी हम बहुत हिसाब से डालेंगे। दो कप हमारे भीगे हुए चावल हैं तो हम यहाँ पे चार कप पानी डाल रहे हैं, क्योंकि हम खुले में पका रहे हैं, खुले बर्तन में। अगर आप सेम काम प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो आप सिर्फ तीन कप पानी डालेंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है ना कि स्टीम में चावल पकता है तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर उसमें ओवर कुक हो जाता है। अगर आप कम पानी डालेंगे तो चावलों के जलने का डर रहता है, और अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ओवर कुक होने का डर होता है। तो इसलिए पानी बहुत हिसाब से डालिएगा। उसके बाद हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि नीचे से सब्जी और मसाले सारे आपस में एक दूसरे से मिल सकें। इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं तो सब्जियाँ सारी नीचे रह जाती हैं, तो हमें अच्छे तरीके से एक बार ही मिलाना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बॉयल आने का वेट करेंगे। पहले हमें इसको एक अच्छे सा बॉईल आने देंगे। ये देखिए हमारे चावलों में बहुत अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। एक बार लास्ट बार हम इस तरीके से मिलाते हैं और इसके बाद हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ यकीन मानिए 5 से 7 मिनट में हमारे चावल बनके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से भिगो रखा था। तो ये देखिए ये हमारे चावल बनके हो चुके हैं रेडी, हमारे मसाला पुलाव। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गले हैं, एकदम खुला खुला चावल बनता है। ये देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त बनता है, यकीन मानिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत गजब का टेस्ट आता है। आप ज़रूर से ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो ये देखिए आप, हमारी प्लेट में डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कितना खुला खुला हमारा चावल बना है, बहुत ही टेस्टी बना था। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। कोई दिक्कत आती है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।